नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं आज की सिलेक्टेड और काम की मुख्य खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू। पहला बैच 1 मार्च को निकलेगा। संवेदनशील इलाकों में 2000 कंपनियां, कुल 3.4 लाख जवान होंगे तैनात। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का बंगाल दौरा, 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। WFI के नेशनल ट्रायल का पहलवानों ने किया बहिष्कार। बजरंग पूनिया बोले, सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम भाग नहीं लेंगे। बिना KYC वाले फास्टैग 1 मार्च से हो जाएंगे बंद, बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट करेंगे। 1.26 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर प्लांट को सरकार की मंजूरी। 3 प्लांट में से 2 गुजरात और 1 असम में बनेगा। टाटा ग्रुप 2 यूनिट पर काम करेगा। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला। बठिंडा में किसान शुभकर्ण का अंतिम संस्कार। बंधेर डलेवाल बोले, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी। मुंबई सूरत समेत 5 शहरों में ट्रेन में धमाके हुए थे। ISI से ट्रेनिंग के बाद लश्कर से जुड़ा था। राम रहीम को बार बार पेरोल पर हाईकोर्ट सख्त। हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, कहा अब बिना इजाजत पेरोल न दें। भारत की GDP अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 8.4% रही, पिछली तिमाही में 7.6% थी। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर का बेहतरीन परफॉर्मेंस। गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां को TMC ने सस्पेंड किया, कहा एक पार्टी सिर्फ बोलती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। JEE पेपर लीक के मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गैंग में शामिल टीचर की 15 करोड़ की प्रॉपर्टी। आरोपियों की पत्नी, भाई बहन सब नौकरी में। हिमाचल में सुक्खू CM बने रहेंगे। कांग्रेस ने कहा सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल रहा। अयोग्य करार दिए 6 विधायक, हाईकोर्ट पहुंचे। लोटासरा बोले, पर्ची सरकार ने हरियाणा के आगे घुटने टेके। तिवारी ने भी किया पलटवार, यमुना समझौते पर कांग्रेस BJP आमने सामने। राजस्थान के 25 जिलों में आज से बारिश का अलर्ट। 11 जिलों में आंधी के साथ ओले गिरेंगे। आज से छाने लगेंगे बादल। MP, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2-3 दिन ओले, बारिश और आंधी चलेगी। कल से पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ़।